नेक्स्ट फैशन आइकॉन का मुझे कॉन्सेप्ट सुनाया. मुझे लगा कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में, छोटा शहरों में बहुत सारा टैलेंट है. मैं खुद छोटे शहर का शिमला का रहने वाला हूँ और वहाँ सपने देखता था कुछ बनने के. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि इन लोगों को ऐसा मौका मिल रहा है कि ये बॉम्बे में आके फाइनल करें और इनमें से दो विनर्स को मेरे स्कूल में 3 महीने का कोर्स करा के फ्री डिप्लोमा दें हम, क्योंकि ताकि हिंदुस्तान जो है मुझे लगता है कि छोटे शहर में पता लगा है जो एस्पिरेशनल क्वालिटीज़ छोटे शहरों के लड़के लड़कियों की है वो फिनोमिनल है. वो हमारे स्पोर्ट्स में भी नज़र आती है, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी नज़र आती है और बाकी चीज़ों में नज़र आती है. और इस प्रोसेस को मुझे सपोर्ट करने में बिल्कुल भी कोई शंका नहीं हुई, बिल्कुल भी मैंने इस बारे में सोचा नहीं. आई थिंक आज 10 के 10 कंटेस्टेंट हिंदुस्तान के भावी कलाकार हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, मॉडल्स हो सकते हैं. और इंडस्ट्री ने मुझे पिछले 32 सालों में इतना कुछ दिया है, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना काम दिया है कि मैंने अपना एक्टिंग स्कूल खोलकर एक्टर प्रिपेयर्स पिछले 12 साल से मैं इंडस्ट्री में बहुत सारे नए एक्टर्स आ रहे हैं और ये उसका एक प्रयास है. जब भी मैं कभी एक्टिंग करता हूँ और मुझे किसी रोल में कोई स्टूडेंट नज़र आता है और टू डू समथिंग लाइक दिस. ओके अनुपम सर, आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं जब हम बात करते हैं नए टैलेंट की, चाहे वो फैशन से जुड़े हों, चाहे वो डांस से जुड़े हों, आते हैं अपनी सादगी से, मासूमियत से जो कहना है वो कह के चले जाते हैं, आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं? मेरी सारी याद. यू रिमेंबर मैं 3 जून 1981 को मुंबई VT स्टेशन पर उतरा था. मेरी जेब में 37 रुपये थे और 37 रुपये के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 32 साल बाद, मतलब टोटल मिलाकर 35 साल बाद, आई थिंक मुझे हमेशा वो दिन याद रहते हैं जब मैं यहाँ आया था. मेरे पास सिर्फ एक डिग्री थी, मैं देखते थे शिमला में और ये तो अभी 5-स्टार कल्चर है कि मंच पे मार्क रॉबिन्सन, अनुपम खेर, टेरेंस लुइस है. उस समय तो दरवाज़ा खटखटाते रहते थे. मुझे याद है रामानंद सागर जी का 4th असिस्टेंट था जिसने मुझे नटराज स्टूडियो से बाहर से वापस भेज दिया था. उसने कहा तुम राइटर बन जाओ. तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है. मोमेंट्स को हमेशा अपने जिंदा रखना चाहिए. एक्टर प्रोफेशन्स में क्या जॉब गारंटी मिलती है? नहीं जी, हमारा काम है ट्रेनिंग देना. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कहीं भी कोई भी एक्ट आपको मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग देता है, पैसे देते हैं, आप वो ये नहीं बोलते कि अब आपको हम डॉक्टर बना देंगे. मुझे किसी ने 100 प्लेस करने के बाद भी, 4 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा करने के बाद, 1 साल टीचर करके भी, 3 साल मैंने यहाँ धक्के खाए थे, मुझे किसी ने गारंटी नहीं दी थी. You get work because of your attitude, not necessarily to start with your talent. We give them a platform जहाँ कि वो यहाँ की दौड़ में आगे बढ़ सकें. We give them enough education that, और आजकल तो बहुत interesting माहौल से गुजर रहे हैं, सिनेमा एंड मॉडलिंग एंड ये सब. आजकल इस वो की करियर की तस्वीर देख के हमेशा कांप जाता है कि क्या मैं किसी ज़माने में ऐसा लगता था या ऐसा लगती थी. आई थिंक द ग्रूमिंग टेक्स ईयर्स nowadays. द ग्रूमिंग डज नॉट टेक ईयर्स, ग्रूमिंग टेक्स institutions. Like our school, like Mark Robinson's, like Terrence Lewis, तो grooming उसमें हो जाती है. तो मैंने इसलिए सजेशन दिया था कि जब इस तरह के प्रतियोगिताएँ दिखाएं तो प्रेस का भी या ऑडियंस का ये होता है अरे ये तो निकल गए यहाँ पर या ये कांप रही है बोलते हुए. अगर अगर हम सारे एक्टर्स के शुरू के शाहरुख, आमिर, अक्षय या एक्ट्रेसेस की शुरू शुरू की तस्वीरें देखें, माधुरी की, श्रीदेवी की, तो हमें लगता है कि ये एक ज़माने में न्यूकमर रह चुके हैं. या मेरी तस्वीर बस सेम रहती है, मेरी तस्वीर नहीं बदली है पिछले 32 सालों में. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में टुडे का रिलीज बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ आवर टाइम्स. हमने ये फिल्म 3 साल पहले बनाई थी और 3 साल बाद जो देश में हो रहा है उस पर एक बड़ी कॉन्टेम्प्रेरी फिल्म है. इसके बाद मेरी फिल्म धोनी आ रही है जो नीरज पांडे ने बायोपिक बनाई है, MS धोनी. वो 30-40 साल तक चलते हैं. जो स्टार बनने आते हैं भी चल सकते हैं बहुत सालों तक. बट नेसेसरली आई थिंक टुडे हम इस दौरान, सिनेमा इस दौर से गुजर रहा है कि आप अगर किसी तरह भी दिखते हैं, अगर आपको एक्टिंग आती है तो आपकी जो जीवन, जो आपका जो आयु है फिल्मों में, वो ज़्यादा देर तक रह सकती है. आई थिंक देयर आर दैट्स फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी इंडियन सिनेमा इज गोइंग थ्रू. आई ऑलवेज कॉल दिस पीरियड अ गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा. मुझे लगता है कि मैक्स फैशन जो ब्रांड है उन्होंने भी काफ़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि विदाउट एजुकेशन टुडे इवन इन सिनेमा यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी शेकी. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे बिना
ट्रेनिंग के, मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग के, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, एक्टर का लगता है कि बन सकते हैं, मगर अब वो दौर का जा चुका है। जितने भी अभी एक्टर्स हैं आप महसूस करेंगे कि या तो वो एक्सपीरियंस से सीखे हैं या किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से सीखे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। Thank you, everybody. Thank you so much. Terrence. So, Channel BNB gave all the contestants the degree course. You know, मैंने कहीं fashion shows judge किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत खोखले होते हैं। लेकिन शक्ल है, लेकिन अकल कम होती है और personality कम होती है। यहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ, यहाँ के जो लड़के और लड़कियाँ आए, वो बहुत ही confident थे, वो अपने आप में विश्वास कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उनमें एक ड्रीम था। और क्योंकि ये बी टाउन, मतलब छोटे शहरों से आते हैं, तो उनमें वो हंगर, वो यू नो, वो डिज़ायर टू रियली मेक इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग। उनको ये कॉस फ्री ना देना, क्योंकि हमारा जो कॉस है वो छोटे, हम सिर्फ मुंबई में हैं, हमारा कोई ब्रांचेस, हमारा कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, मैं खुद सिखाता हूँ। तो इन बच्चों के लिए यू नो, आई कैन नॉट कम टू देयर सिटी, मैं खुद वहाँ पे आपको पढ़ा नहीं सकता, लेकिन एंड आई डोंट, मेट्रोज को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन ये बी टाउन सिटीज़ में जो हंगर है, जो भूख है, वो ज़बरदस्त है, और उनको सीखने की चाह है, उमंग है। इसी उमंग और चाह के साथ मैं आगे बढ़ा अपनी ज़िंदगी में, और मैं उनके साथ आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, चाहे वो लड़कियाँ हों, पांच लड़कियाँ या चार पांच लड़के, दे हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस।